हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी इंग्लिश की पहली लेक्चर है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम इंग्लिश शुरू करने जा रहे हैं, बिल्कुल जहां से इंग्लिश की शुरुआत हुई थी। जैसे मैंने वादा किया था आप लोगों से कि लेक्चर हमारी इंग्लिश की वहां से शुरू होगी जहां से इंग्लिश की शुरुआत हुई है। तो सारी दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत कोई भी अगर करता है तो वो ए लेटर से करता है। तो बिल्कुल हम आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं ए लेवल से। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में हम शुरू करेंगे ए से, ए टू जेड। इसमें 26 लेटर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं अल्फाबेट। ठीक, अल्फाबेट का मतलब वही हुआ जैसे कि हमारी फैमिली है। हमारी फैमिली में 4 मेंबर हो सकते हैं, 6 मेंबर हो सकते हैं, 10 मेंबर हो सकते हैं। वैसे ही अल्फ़ाबेट क्या है, एक फैमिली है जिसके मेंबर 26 लेटर्स हैं। इस अल्फ़ाबेट को हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट और तीसरा सेमी वोवेल। लेटर इंग्लिश का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। तो लेटर बनाना, लेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, लेटर की ज़रूरत ठीक वैसे ही पड़ी जैसे घर बनाने के लिए हमें ईंट की ज़रूरत पड़ती है। हम ईंट लाते हैं, ईंट से फिर दीवार बनाते हैं, दीवार से फिर मकान बनाते हैं। वैसे इंग्लिश में लेटर है, लेटर से वर्ड बनता है, फिर वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से पैराग्राफ बनते हैं। तो चलिए हम लेटर की पढ़ाई आज कर रहे हैं। ए टू जेड 26 लेटर्स हैं जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो उसमें उन 26 लेटर को हमने फिर डिवाइड किया 3 पार्ट में। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम है, जो चीज़ें नहीं मालूम है वो जान जाएंगे, और जो जानते हैं फिर वेट करें, हम आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि ये पहली क्लास है इंग्लिश की, बिगनिंग से हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहला लेक्चर है। तो हमारी शुरुआत बिल्कुल ए टू जेड से ही होगी, अल्फ़ाबेट से ही होगी। तो अल्फ़ाबेट में फिर हम आते हैं, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, अल्फ़ाबेट को हम फिर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा वोवेल है, वोवेल है ए ई आई ओ यू। उसके बाद कॉन्सोनेंट बी टू जेड तक, जो रिमेनिंग लेटर्स बचे हैं वो हमारे बी टू जेड में आ गए। सेमी वोवेल क्या है, सेमी वोवेल में 2 लेटर आते हैं, एक डब्ल्यू है और दूसरा वाई है। अब समझते हैं हम सेमी वोवेल क्यों। सेमी वोवेल का मतलब, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ वोवेल है ये, यानी कि हाफ वोवेल है तो हाफ कॉन्सोनेंट होगा। तो ये दोनों लेटर जो है क्यों हाफ है, क्यों पूरे वोवेल नहीं है या पूरे कॉन्सोनेंट नहीं है, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि लेटर बनाया गया है इसलिए ताकि वर्ड बनाया जा सके। लेटर से वर्ड बनते हैं, और वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, लेटर प्लस लेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड इफ इट गिव्स मीनिंग। तो समझिए कैसे वर्ड बनता है लेटर से। ए एक लेटर है और टी एक लेटर है, इन दोनों ने मिलके एक वर्ड बना दिया एट। लेकिन अगर हम कहें कि टी एक लेटर है और ए एक लेटर है और इससे मिलके क्या वर्ड बना, टा, नहीं बना। क्यों, क्योंकि एट की तो मीनिंग है बट टा की मीनिंग नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत सीधी बात है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस मीनिंग इज अ वर्ड। तो वर्ड बनने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर का मीनिंग देना ज़रूरी है, जो हमें एट में तो मिलता है बट टा में नहीं मिलता है। तो अब देखिए, कोई भी लेटर अगर सिंगल भी है और उसकी मीनिंग है तो वो एक वर्ड है। जैसे आई, आई एक लेटर है और आई एक वर्ड भी है क्योंकि यहाँ पे आई की मीनिंग होती है। इसी तरह से ए भी एक लेटर है और ए एक वर्ड भी है क्योंकि यहाँ पे इसकी मीनिंग है। तो इसका मतलब है कि कोई लेटर अगर सिंगल भी है और उससे मीनिंग निकलती है तो उसका मतलब है कि वो एक वर्ड है। लेकिन बहुत सारे लेटर को अगर हम एक साथ लिख देते हैं और उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है तो वो हमारा वर्ड नहीं है। ए बी सी डी 4 लेटर्स हैं लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी मीनिंग नहीं है। तो कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस मीनिंग इज़ अ
वर्ड। इसमें हमने देखा कि एट तो एक वर्ड है, आई भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है। क्यों? क्योंकि इनकी मीनिंग हो रही है, बट ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी मीनिंग नहीं होती। तो अब देखिए, जो वर्ड बनाने का जो ट्रेंड है इंग्लिश में, वर्ड बनता कैसे है? वर्ड बनता है कॉन्सोनेंट वोवेल को आपस में मिला करके। लेटर कॉन्सोनेंट से ले सकते हैं, लेटर हम वर्ड वोवेल से ले सकते हैं, लेटर हम सेमी वोवेल से ले सकते हैं, और उनको एक साथ रखने के बाद उनकी मीनिंग निकलना ज़रूरी है। अब देखिए, कोई भी ऐसा वर्ड जैसे एप्पल एक वर्ड है, तो इसमें कम्बिनेशन किसका है? इसमें वोवेल है, ये वोवेल है और ये कॉन्सोनेंट है। तो यानी किसी भी लेटर को मिलने के लिए कॉन्सोनेंट और वोवेल की ज़रूरत पड़ती है। या हमने यहाँ देखा आई और एक एग्जांपल में देखा, इसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी लेटर अगर वोवेल है तो कॉन्सोनेंट की ज़रूरत नहीं है, बिना कॉन्सोनेंट के भी वो वर्ड है। लेकिन क्या ऐसा कोई कॉन्सोनेंट है जो सिर्फ कॉन्सोनेंट है और वर्ड भी है? अगर आप कहते हैं यू, तो मैं कहूँगा ये वर्ड नहीं है। ये आपके व्हाट्सएप में तो चलता है, बट इंग्लिश ग्रामर में नहीं चलता है। इंग्लिश ग्रामर में चलता है वाई ओ यू, ये एक वर्ड है। तो कोई भी सिंगल ऐसा कॉन्सोनेंट नहीं है, आपको नहीं मालूम होगा, जो कॉन्सोनेंट भी है और उसने वोवेल की हेल्प भी नहीं ली और वो वर्ड भी बन गया। आप सोचिए और सोच के बताइए कि क्या कोई ऐसा इंग्लिश में वर्ड है जिसमें वोवेल तो नहीं है, सिर्फ कॉन्सोनेंट अपने दम पे वर्ड बने? मेरे ख्याल से आपके दिमाग में जो कुछ वर्ड्स आए होंगे वो ये हैं, क्राई, माई, स्काई। इसमें देखिए किसी में वोवेल नहीं है, तो अब यहाँ पे रोल आता है आपका सेमी वोवेल का। मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू और वाई सेमी वोवेल है। अब यहाँ पे ये सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। और वाई क्या है? कॉन्सोनेंट तो है, बट चूंकि ये वर्ड बनाने में वोवेल की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट होते हुए भी वोवेल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी वोवेल। क्लियर? सेमी वोवेल की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी वर्ड में कोई वोवेल नहीं हो, या ये कह सकते हैं कि कभी भी जब शुरू में ये लेटर आते हैं तो ये तो कॉन्सोनेंट होते हैं, बट बाद में आते हैं तो वो वोवेल होते हैं। जैसे माई, स्काई, स्पाई, वाव। ये यहाँ पे बाद में आए, 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 यहाँ पे बाद। तो जब लास्ट में आते हैं तो वो होते हैं सेमी वोवेल। क्या होते हैं? सेमी वोवेल। और यही अगर शुरू में आ जाए तो वो हो जाते हैं वोवेल। जैसे यू, येट, व्हाट, व्हाट। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए, वोवेल और कॉन्सोनेंट जो बनाए गए हैं किसी भी लैंग्वेज में बनाए गया, तो हमारा अल्फ़ाबेट भी क्या है? अल्फ़ाबेट भी डिराइव्ड है ग्रीक अल्फ़ाबेट से। ग्रीक अल्फ़ाबेट में क्या होता है? अल्फ़ा बीटा। पहला लेटर उनका होता है अल्फ़ा और दूसरा होता है बीटा। बट इसी को हमने मतलब जब इंग्लिश में जब बात आई, इंग्लिश का जब अल्फ़ाबेट बना, तो वहाँ अल्फ़ा बीटा की जगह ए और बी हो गया। आप देखिए, अल्फ़ाबेट अल्फ़ा बीटा से बना है। तो ये ग्रीक अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए के बाद बी होता है, ठीक है? और अल्फ़ाबेट में मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन होता है कॉन्सोनेंट का, वोवेल का और सेमी वोवेल का। फिर मैंने आपको बताया कि वाई और डब्ल्यू सेमी वोवेल, यानी ये वोवेल भी नहीं है और कॉन्सोनेंट भी नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि जब ये बाद में आते हैं तो सेमी वोवेल है, और ये जब शुरू में आते हैं तो कॉन्सोनेंट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो भी डिसाइड किया जाता है वोवेल और कॉन्सोनेंट, वो आवाज़ पर डिसाइड किया जाता है। आपको आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला मतलब अक्षर माला, अक्षर की माला। माला का मतलब बहुत सारे फूल। माला का मतलब क्या होता है? फूल होता है जिसमें, मतलब फूलों का एक झुरमुट होता है जिसको एक
धागे से पिरो दिया जाता है, तो उसमें कोई एक फूल नहीं होता, बहुत सारे फूल होते हैं। इसी तरह अल्फ़ाबेट भी क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, एक माला है जिसमें बहुत सारे वर्ण यानी बहुत सारे लेटर हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी वर्णमाला की, तो वर्णमाला में भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। देखिए किसी दूसरे को, किसी भी दूसरे लैंग्वेज को सीखने के लिए एक लैंग्वेज को भलीभांति जाना, अच्छी तरह से जाना ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैं नहीं आपको बताऊंगा, क्योंकि हिंदी तो बड़ा टफ है और हिंदी का व्याकरण जो है इंग्लिश से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में हमें नहीं जाना है। हमें ग्रामर उतना ही पढ़ना है जितना खाने में नमक, न ज़रूरत से ज़्यादा न ज़रूरत से कम। खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा, और कम हो जाए तो भी ख़राब हो जाएगा, तो ग्रामर भी हमें उतना ही पढ़ना है। हम कोई ग्रामर में पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। सारे एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी सीजीएल है, बैंकिंग है, एनडीए है, सीडीएस है, यूपीएससी, एमपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सब में इंग्लिश आता है, और इंग्लिश में वो ग्रामर चेक करते हैं। वी नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट रिमेंबर इन योर एग्जामिनेशन यू आर नॉट गोइंग टू बी चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर फ्लुएंसी, दे सर्च ग्रामर इन यू। ग्रामर कितना है आपके अंदर, कितना ग्रामर आप जानते हैं, इस पे आपका आपके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, और आगे भी क्लास में हम ग्रामर ही पढ़ेंगे, तो ग्रामर वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। वरना अगर हम सिर्फ नाउन ही पढ़ें तो पूरा जीवन हमारा ख़त्म हो जाएगा, पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और हम नाउन नहीं पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से। तो उतना ग्रामर नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्ज़ाम में ज़रूरी है, और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जितना आपको आना चाहिए। तो फिर हम बात करते हैं, हमने बात किया अल्फ़ाबेट का, अल्फ़ाबेट में वोवेल कॉन्सोनेंट और वोवेल कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल हमने पढ़ा है। अब फिर हम बात करते हैं, जिस तरह से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है उसी तरह से वर्णमाला होता है हिंदी में, जिसमें स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। अब ये स्वर वर्ण क्या होता है, ये होता है अ आ ई ई उ उ ए ए ओ औ और अन आ। इसी तरह से व्यंजन वर्ण क्या होता है, क ख ग, क ख ग न, क ख ग घ, ये ज्ञ तक आपका जाता है। तो अब देखिए, किसी भी वर्ड को, किसी भी लेटर को, किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए हमें बेसिक कुछ चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमने कॉन्सोनेंट और वोवेल तो समझा, लेकिन अक्सर गलती कर देते हैं हम। हमें वोवेल और कॉन्सोनेंट सिर्फ समझने से हमारा काम नहीं चलता है, हमें समझना पड़ता है उसके साउंड को। अब देखिए साउंड क्या होता है, किसी भी लेटर को या वर्ड को प्रोनंसिएट करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो भी एक ग्रामर का पार्ट है। जैसे अब हम कहते हैं एप्पल, एप्पल में ए हमारा वोवेल है, क्यों, क्योंकि ये वोवेल साउंड देता है। अब वोवेल साउंड क्या होता है, वोवेल साउंड होता है ऐसा जो डिफरेंट, मतलब कॉन्सोनेंट के साउंड से डिफरेंट हो। इसको समझने के लिए हिंदी का साउंड समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोला जाता है स्वर वर्ण, स्वर सम्राट या स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उनकी स्वर बहुत अच्छी है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो अब ये स्वर क्यों अच्छा है, क्योंकि उनका गला अच्छा है। तो स्वर वर्ण का जितना भी वर्ण निकलता है वो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके गले से निकलता है, इसलिए हम इसको स्वर वर्ण बोलते हैं। जैसे अ आ ई ई, ये जितने भी वर्ण हैं इनको बोलने के लिए आपको अपने गले का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बाकी चीज़ों को बोलने के लिए कभी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, कभी दांत का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप अपने होठों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो व्यंजन वर्ण होता है। तो इंग्लिश में भी वोवेल साउंड वही है जिसको बोलने के लिए आपको अपने गले का इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से बताना जो है आसान तो है, बट समझना मुश्किल है कि कौन सा साउंड जो है कैसे आता है। अब इसी पे आपके ग्रामर के क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे अगर हम कहें ही इज़
एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, यू हैव एक्सरे मशीन, और हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाए, इसमें फिल करने के लिए कहा जाए ए और एन, आप इसमें फिल करिए। तो अगर हम लेटर के बेस पे करेंगे तो गलत हो जाएगा, एम कॉन्सोनेंट है तो हम यही समझ करके अगर हम लिख दें ही इज ए एम पी तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है साउंड की, वॉवल साउंड की और कॉन्सोनेंट साउंड की। तो किसी भी साउंड को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि उसको आप हिंदी में लिखिए। यहाँ आपने लिखा है एम पी, अब देखिए हमें साउंड कौन सा मिल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड मिल रहा है या वॉवल साउंड मिल रहा है, इसके लिए गले पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है इस ट्रिक को सीखने का कि एम पी वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, ये चेक करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एम और पी। अब देखिए जो अक्षर शुरू में आपका आ रहा है वो डिसाइड करता है कि यहाँ साउंड क्या आ रहा है। एम पी में अगर आप ए यूज करते हैं तो यहाँ देखिए स्वर वर्ण में ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका साउंड स्वर वर्ण का आ रहा है, बराबर ना। एम पी बोलने के लिए एम, यम पी आप नहीं बोलते हैं, एम पी बोलते हैं, और ए किस में आता है, स्वर वर्ण में, तो इसका मतलब है ये साउंड जो है आपका स्वर का है, क्लियर। अब दूसरा है एक्सरे, एक्स ऐसा तो एक्स वाई जेड, ये तीनों हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे हमें चेक करना है कि इस वर्ड को बोलने में हम यूज़ क्या कर रहे हैं, स्वर वर्ण यूज़ कर रहे हैं या व्यंजन वर्ण यूज़ कर रहे हैं, सॉरी साउंड हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वॉवल साउंड है हमारा या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हम फिर साउंड चेक करने के लिए हमने आपको क्या फॉर्मूला बनाया बताया, क्या तरीका बनाया बताया, क्या ट्रिक बताया कि किसी भी वर्ड को ये जानने के लिए कि वो वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, उस वर्ड को आप लिखिए और फिर उसको हिंदी में लिखिए। यहाँ पर देखिए एक्सरे, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स रे, और पहला जो आपका लेटर आ रहा है, पहला वर्ण आ रहा है, फिर अगेन ए आ रहा है, और जब ए आएगा तो ये स्वर वर्ण होगा, और जब स्वर वर्ण आता है तो हम यूज़ करते हैं एन, और जब व्यंजन वर्ण आता है तो हम यूज़ करते हैं ए। हमने बचपन में पढ़ा है कि जो वॉवल से शुरू होता है उसके पहले एन यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है वो उसका ए यूज़ करते हैं। तो चूंकि आप छोटे थे उस टाइम में आप इतना ही समझ सकते थे, बट आप बड़े हो गए हैं और आप आईएएस बनने जा रहे हैं, आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम क्लियर करके हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, या एनडीए क्वालिफाई करके कमीशनड ऑफिसर बने, तो अब आपको बड़े लेवल पे अपनी तैयारी करनी है। तो ये जानिए कि किसी भी वर्ड के पहले हम ए लगाएंगे ये एन लगाएंगे, ये वॉवल या कॉन्सोनेंट डिसाइड नहीं करता बल्कि उसका साउंड डिसाइड करता है, और साउंड को चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बता ही दिया है। फिर चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ही इज अब इसके पहले आप ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करिए, जो मैंने आपको रूल बताया है उसी रूल पे स्टिक करिए, उसी को फॉलो करिए। अब यूरोपियन को के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऐसे यू रो पी एन, और यहाँ य जो है कहाँ हमारा स्वर वर्ण में आ रहा है या व्यंजन वर्ण में आ रहा है, क से ज तक के बीच में आ रहा है, अ से अ तक के बीच में नहीं आ रहा है, इसी के बीच में कहीं पे आपको य मिलेगा, तो यानी कि व्यंजन वर्ण से शुरू हो रहा है, तो जो व्यंजन वर्ण से शुरू होगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ए, तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज ए यूरोपियन, क्लियर। अब देखिए ही इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अब यहाँ एन लगाएंगे या ए लगाएंगे, फिर जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिए, देखिए इसको कि क्या लगाना है, क्या रूल मैंने आपको बताया है, मैंने बताया है कि किसी के साउंड को चेक करने के लिए उसको फिर वॉवल या कॉन्सोनेंट में उसके साउंड को चेक करना है कि वो स्वर्ण वर्ण में आता है व्यंजन वर्ण में आता है, यानी कि वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम, फिर लिखते हैं हिंदी में यूनिवर्सिटी। अब यू आ गया, यानी यू किस में आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, आसान है ये, तो कुछ लेटर्स हैं अगर आप याद कर लें तो बहुत ज़रूरी है, ये आपके काम आएगा ही, और भगवान ना करे किसी वजह से आपके काम नहीं आए तो आपके बच्चों के काम तो ज़रूर आएगा, तो इसलिए इसको लर्न कर लीजिए।
तो इसमें य नहीं आएगा, इसका मतलब है कि एन नहीं यूज होगा, यहाँ पे ही यूज होगा ए। तो ही इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो अब समझ में आया क्या होता है वॉवल साउंड और क्या होता है कॉन्सोनेंट साउंड। कभी कभी वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड भी कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं और कभी कभी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड भी वॉवल साउंड देते हैं। तो मेन क्या है, हमारे वर्ड का प्रोनंसिएशन, हम कैसे प्रोनंसिएट करते हैं, हमारी आवाज़ जब निकलती है तो कॉन्सोनेंट साउंड होता है या वॉवल साउंड होता है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसी बेस पे हम फिर आते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेमी वॉवल, ये जब लास्ट में आता है तो सेमी वॉवल होता है और शुरू में आता है तो कॉन्सोनेंट होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये साउंड भी वैसे ही देता है। अगर हम कहते हैं इसको प्रोनंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, मा ई आ रहा है ई, तो यहाँ वाई का साउंड क्या है, वॉवल साउंड है और वाई तो होता कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ये ना कॉन्सोनेंट है ना वॉवल है बल्कि सेमी वॉवल। इसी तरह से वाई, यहाँ स्काई इसमें भी आई आ रहा है, स्पाई इसमें भी आई आ रहा है, वाओ वाओ ओ आ रहा है, लो ओ आ रहा है। तो इस वजह से भी हम इसको कह सकते हैं कि जब बाद में आता है तो ये सेमी वॉवल होता है और जब शुरू में आता है तो कॉन्सोनेंट। क्यों? अब व अगर कहते हैं तो आएगा यू, ये वा वा, तो ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये यहाँ पे सेमी वॉवल नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है। और दूसरी बात ये है कि कोई भी वर्ड बिना वॉवल के अगर आप बनाते हैं तो यही दो आते हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा कॉन्सोनेंट, सारे कॉन्सोनेंट आप लिख दें फिर भी वो वर्ड नहीं बनेगा जब तक कि आप वॉवल नहीं डालें। आपको ए ई आई ओ यू तो देना ही होगा, अगर नहीं देते हैं तो W और Y देना है, इनके अलावा कोई ऐसा कॉन्सोनेंट दोनों आपस में मिलकर के वर्ड नहीं बनाते। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा, लेटर। क्या समझ में आ गया होगा, अल्फाबेट। क्या समझ में आ गया होगा, वॉवेल। क्या समझ में आ गया होगा, कॉन्सोनेंट सेमी वॉवेल। ठीक है, तो ये सब अभी हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ के लिए, लेटर को समझने के लिए। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को लेटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर रिपीट करके सुन लीजिएगा। अब लेटर सबसे छोटा यूनिट है, तो हमने ईंट तो ले लिया लेकिन ईंट से घर तो नहीं बन जाएगा हमारा। अब घर बनाने के लिए हमें दीवार खड़ी करनी है, तो अब लेटर से आगे हम जाते हैं तो हमारा क्या बनता है, लेटर से आगे बढ़ करके हम क्या बनाएंगे, लेटर से आगे जाके हम बनाएंगे वर्ड। कितने लेटर हैं, कितने लेटर्स हैं इंग्लिश में, 26 लेटर। ग्रीक अल्फाबेट्स में 28 होते थे या शायद 24 होते थे, फिर उसके बाद रोमन आया, हम लोग रोमन अल्फाबेट को ही यूज करते हैं, खैर वो हमारा नहीं है कंसर्न, कंसर्न है हमारा लेटर अल्फाबेट वॉवल कॉन्सोनेंट। अच्छा देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना अल्फ़ाबेट बनाया, अब आप लोग कितना समझे, इसके लिए एग्ज़ाम में देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोगों को बताना है सही या गलत है ये सेंटेंस, आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको दे दिया जाएगा एक सेंटेंस, उसके अंदर अंडरलाइन कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि किस पार्ट में एरर है, आपको बताना है। आपने सही बता दिया तो आपको एक मार्क मिल जाएगा, और अगर आपने गलत बताया तो ये मार्क तो जाएगा ही, दूसरा निगेटिव मार्किंग की वजह से जो सही आपने मेहनत करके बनाया होगा उसके भी मार्क्स कट जाएंगे। तो कभी भी आंसर देने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा। हमने पढ़ा है अल्फ़ाबेट, अब बताइए सही है गलत। ये गलत जवाब है, यहाँ सी में आपके सेंटेंस में एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा गया है अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, लेटर्स होता है। कभी भी हम आई एम यूजिंग 5 अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश नहीं कह सकते, आप कहेंगे आई एम यूजिंग 5 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो कभी भी अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, अल्फ़ाबेट होगा जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, और बहुत सारे लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तब वैसे कंडीशन में हो सकता है, जैसे आई हैव अ बिग फैमिली, बट
देयर आर 5 फैमिलीज इन दिस बिल्डिंग। तो अलग अलग फैमिलीज़ की बात करेंगे तो वो फैमिली का प्लूरल फैमिलीज़ हो जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए कभी भी अल्फ़ाबेट्स नहीं कहिएगा। और ये मेरा क्वेश्चन खुद का नहीं है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया। तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके सही आंसर देना होता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स नहीं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में तो 26 लेटर्स हैं, तो ये लेटर लेटर आपस में मिलके जो वर्ड बनाते हैं वो कितने वर्ड्स बनाते होंगे, 1,000, 2,000, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000, 25,00,000, कितने, कोई आइडिया? हम लोग 10 डिजिट ही यूज़ करते हैं मोबाइल में इंडिया में, और दुनिया में मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं किसी का भी मोबाइल नंबर सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का यूज़ करे। तो सिर्फ 10 डिजिट से 135 करोड़ लोग यूज़ करते हैं, उतने फ़ोन उनके पास हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ तो 26 है, बहुत सारे वर्ड्स बनते होंगे। तो इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं ये कोई नहीं जानता, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है वो बता सके कि एग्जैक्ट कितने हैं। और हर साल नए नए वर्ड्स अलग अलग टेक्नोलॉजी के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग फील्ड के ऐड होते जा रहे हैं, तो काउंट करना ये इम्पॉसिबल है कि इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं ये कोई नहीं बता सकता है, जैसे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, एग्जैक्ट नंबर क्या है, कोई भी सेंसस ये बता नहीं सकता है कि हाँ हमने आज बता दिया, इतना लिख लो, इतने ही पॉपुलेशन है, इतने ही लोग दुनिया में। जैसे ही वो काउंट करके बैठेगा बहुत सारे नंबर बढ़ जाएंगे। इसी तरह इंग्लिश में भी अनलिमिटेड वर्ड्स हैं और ये बढ़ते ही जाते हैं, तो इनको काउंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं बल्कि इम्पॉसिबल है। तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं हम उनको काउंट तो नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से दुनिया में जितने लोग हैं उनको काउंट नहीं कर सकते, बट उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको आपस में हम डिवाइड करके उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ग्लोब बना देंगे और डायरेक्शन वाइज ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ऐसे करके हम उनके बारे में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, साउथ में कितने लोग हैं यार मतलब, और ईस्ट में कितने हैं, नॉर्थ में कितने हैं, वेस्ट में कितने हैं, या फिर हम एज वाइज भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं उनको अगर डिवाइड करना हो तो हम एज वाइज डिवाइड कर सकते हैं, 0 to 30, 31 to 60, 62, 90, 92 above। तो अब दुनिया में चाहे कितने भी लोग होने दो, हमने डिवाइड कर दिया 1, 2, 3, 4, चार पार्ट में, इसी में से आएंगे। दुनिया में कोई भी होगा वो इसी चार कैटेगरी में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। या फिर हम जेंडर वाइज भी कर सकते हैं, मेल फीमेल या न्यूट्रल, तो ऐसे भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब दुनिया में जितने भी लोग हैं कोई बच पाएगा क्या, या तो इन तीनों कैटेगरी में आएगा, या इन चारों कैटेगरी में आएगा, या ये चार पार्ट जो हमने दिया है उसमें आएगा। इसी तरह से इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं भले ही हम उसको काउंट तो नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट कितने हैं, लेकिन उनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं हम दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं। अब आप तो जान गए ना वर्ड्स कैसे बनते हैं, लेटर से लेटर मिला के जिसका मीनिंग हो जाएगा वो वर्ड हो जाएगा, और जो लेटर से लेटर मिलकर के वर्ड्स बनते हैं वो अनलिमिटेड हैं। बट जो अनलिमिटेड वर्ड्स हैं उनकी भी क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं और उनको कहते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला आता है नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन, तीसरा आता है वर्ब, चौथा आता है एडजेक्टिव, पांचवा आता है एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन।
हाँ, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली होते क्या हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में तरह तरह के लोग हैं, सबको उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनको नाम दिया गया है, उनके जॉब के हिसाब से उनका नाम दिया गया है। जैसे कोई कारपेंटर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेसर है। तो जो जैसा काम करता है, जो जैसा जॉब परफॉर्म करता है, उसको उसके हिसाब से नाम दिया गया। वैसे ही यहाँ पे भी एक सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स जो यूज़ होते हैं, उनको उनके फंक्शनैलिटी के हिसाब से, उनके जॉब के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से उनको एक नाम दिया गया है। वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच दुनिया में जितने भी वर्ड्स बने हैं, इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, मतलब काउंटलेस वर्ड्स हैं, तो जितने भी वर्ड्स हैं उनको इन्हीं 8 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो सबसे पहला हमारा है नाउन। नाउन के बारे में बचपन से हम पढ़ते आए हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अक्सर बच्चे यही कहते हैं। फिर मैं जब उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, तो ये बताइए काऊ क्या है, पर्सन है, प्लेस है या थिंग है? तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। थिंग भी दो होते हैं, एक लिविंग थिंग और दूसरे नॉन लिविंग थिंग। तो काऊ जो है वो लिविंग थिंग में आती है। इस तरह से नाउन को हम डिफाइन करते हैं, लेकिन इससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है। इसको कभी कभी हमें नाउन को पहचानने में, समझने में परेशानी हो जाती है। कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रो लेक्चर है, सभी के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी लिखे गए हैं सबके बारे में इन डिटेल तो हम नहीं पढ़ेंगे आज। आज सिर्फ बेसिक चीज़ें हम इनके बारे में जानेंगे, बेसिक लेवल पे इनको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं। जो हमारा सेंटेंस बने उसमें, सेंटेंस में ये कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है और कौन वर्ब है या बाकी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, ये हम समझ सकें। क्योंकि आप समझिए कि नाउन को अगर हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और नाउन क्या है ये हम समझ नहीं पाएंगे, इतना वास्ट है ग्रामर। तो हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ग्रामर, तो ग्रामर हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें ग्रामर उतना ही पढ़ना है जितना खाने में नमक, न ज़रूरत से ज़्यादा न ज़रूरत से कम। हम आपको ग्रामर उतना ही पढ़ाएंगे जितने जिससे आपके एग्ज़ाम का पर्पस सॉल्व हो जाए। मेन हमारा पढ़ने का यहाँ इस क्लास में, इस लेक्चर में, या जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हमारा मेन मोटो क्या है, ये है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं हम उनको सॉल्व कर सकें। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो ग्रामर की है वही एग्ज़ाम में आपका चेक किया जाता है। उन्हें भी मालूम है कि 15-20 सालों से आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश आपकी अच्छी ही होगी, नो डाउट सबकी अच्छी होती है, बट द मेन थिंग इज़ दैट हाउ गुड यू आर इन द नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो दे आर गोइंग टू चेक यू ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ ग्रामर यू हैव। तो चलिए इस हिसाब से हम नाउन के बारे में बात करते हैं, नाउन को समझने की कोशिश करते हैं। नाउन क्या है? पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स होते हैं और इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं वो किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं। अब नाउन हम कैसे समझेंगे कि कौन नाउन है? अच्छा, नाउन समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम क्यों समझना चाहते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, इसका क्या यूज़ है ग्रामर में। तो देखिए, उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आप या कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी बीमारी को, उसकी डिजीज़ को सही से डायग्नोज नहीं कर पाए, तो क्या उसका ट्रीटमेंट वो कर पाएगा? आप सोच के देखिए कि अगर आपको या किसी भी पेशेंट को मलेरिया है, डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको डायग्नोज किया कि आपको कोविड-19 हो गया, अब बताइए वो मरीज़ बिस्तर से उठेगा या दुनिया से उड़ जाएगा? तो वही बात है, सेंटेंस में ये इन जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनका एक बड़ा, बहुत बड़ा रोल है। वो रोल क्या है कि आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा एरर डिटेक्शन, जिसको कॉमन एरर भी कहते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, या क्लोज टेस्ट, या और भी कई तरीके हैं जिससे वो आपके इस नॉलेज को चेक करने की कोशिश करेंगे
कि क्या आपको बेसिक समझ है नाउन प्रोनाउन वर्ब की पहचानने की। सेंटेंस में गलतियाँ जो है जनरली इन्हीं सब चीज़ों में होती है, कहीं जहाँ नाउन होना चाहिए वहाँ एडजेक्टिव दे देंगे, जहाँ एडजेक्टिव होगा होना चाहिए वहाँ एडवर्ब दे देंगे। तो आपको यही एरर फाइंड करना है सेंटेंस में कि इन किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से डॉक्टर जब तक बीमारी नहीं समझेगा क्या है तब तक इलाज नहीं करेगा, वही हाल यहाँ पे भी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, तब तक आप सेंटेंस में इस बेसिस पे पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। और इसमें जो एरर्स होते हैं ये इन्हीं बेस पे होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। अगर नाम नहीं होगा तो हम पहचानेंगे नहीं चीज़ों को। हम बात करेंगे आलू के बारे में, आप समझेंगे प्याज के बारे में। हम कहेंगे जाओ मार्केट से लेके आ जाओ, आप पूछेंगे क्या लेके आ जाओ, नाम तो बताओ। तो इसलिए दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका नाम दिया गया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसी थिंग नहीं है जिसका नाम नहीं है। जिसका नाम नहीं है उसका भी नाम है, जिसका नाम नहीं है उसको हम अनाम कहते हैं, अननोन कहते हैं। तो इस तरह से दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, वही नाम उसका नाउन है। अब नाउन जो है वो काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। काउंटेबल नाउन जैसे पेन, आई हैव 5 पेन्स ऑन द टेबल, तो पेन को काउंट करके आपने 5 बताया। कुछ चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। पेन के अंदर जो इंक है उसको आप काउंट नहीं कर सकते। अभी घर में फैन है तो आप उसको काउंट कर सकते हैं लेकिन उसके एयर को काउंट नहीं कर सकते हैं। गर्ल है तो आप काउंट कर सकते हैं हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, लेकिन उसकी ब्यूटी को काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि कितने सुंदर है। ठीक, तो नाउन काउंटेबल हो सकता है, नाउन अनकाउंटेबल हो सकता है, नाउन विजिबल हो सकता है, नाउन इनविजिबल हो सकता है, यानी दिखाई भी दे सकता है वो भी नाउन है, जो नहीं दिखाई देता है वो भी नाउन है। जैसे फ़ैन दिखाई दे रहा है तो फैन विजिबल है, तो ये भी नाउन है। फ़ैन से जो हवा निकल रही है वो इनविजिबल है फिर भी वो नाउन है। इसी तरह से नाउन प्रॉपर भी हो सकता है और कॉमन भी हो सकता है। अब इसको समझिए कि क्या प्रॉपर होता है और क्या कॉमन होता है। जैसे अगर मैं कहूँ व्हेन आई वॉज कमिंग हेयर आई मेट अ पर्सन या आई मेट अ मैन, तो कोई भी आदमी हो सकता है, किसी भी आदमी के बारे में बात कर सकते हैं हम। तो मैन का मतलब कॉमन मैन। लेकिन अगर मैं कहूँ व्हेन आई वॉज कमिंग हेयर आई मेट सलमान खान, तो आप समझ गए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं जो आजकल बहुत निशाने पे है। तो सलमान क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया और मैन भी नाउन हो गया। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? सलमान एक प्रॉपर, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया, और मैन एनी मैन ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कोई भी आदमी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए हम कॉमन नाउन उसको बोलेंगे। इसी तरह से आई लिव इन अ सिटी, तो कोई भी सिटी हो सकती है दुनिया की। लेकिन जब मैं ये कहूँ कि आई लिव इन मुंबई, आप समझ जाएंगे मैं तो खतरे में हूँ, वायरस इतना बढ़ रहा है। तो अगर हम सिटी कहते हैं तो एनी सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये गलत, यहां गलत हो गया। आप जब बात वायरस की आती है, जब कोरोना वायरस की आती है तो आदमी की कंफ्यूजन हो ही जाती है। एनीवेज यहां हम बात करेंगे अगर एनी सिटी ऑफ द वर्ल्ड तो वो कॉमन हो गया, तो यहां पे हम कॉमन नाउन के उसके कैटेगरी में रखेंगे। और अगर उसी सिटी का अगर आप नाम दे देते हैं तो ये कॉमन नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर हुआ, तो इसलिए उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। आई होप आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल समझ आ गया होगा। तो इतना अगर आपने समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है। बट कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसको लाख कोशिशों के बावजूद, लाख डेफिनेशन को पढ़ने के बावजूद, हज़ारों बार उसको रिपीट करने के बावजूद भी हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम समझ नहीं पाते। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपर्ट ये नाउन है या नहीं, अगर मैं पूछूं ऑनेस्टी ये नाउन है या नहीं,
अगर मैं पूछूं सॉफ्टनेस, ये नाउन है या नहीं? अगर मैं पूछूं एडवाइस, ये नाउन है या नहीं? अगर पूछूं नेचर, ये नाउन है या नहीं? तो कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा। हालांकि ये दुनिया के सारे वर्ड्स पे तो नहीं लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ड पे इसको आप इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं कि वो वर्ड नाउन है या नहीं। तो बताऊँ, क्या बताऊँ? मैं वो बताने जा रहा हूँ जिससे आप नाउन को चेक कर सकते हैं कि ये नाउन है या नहीं है। तो उसके लिए उपाय क्या है कि किसी भी वर्ड के पहले आप माई लगा करके क्वेश्चन पूछिए या सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वो सेंटेंस बन जाता है सही सलामत, तो इसका मतलब वो नाउन है। जैसे माई एक्सपर्ट, माई एक्सपर्ट नहीं होता है, माई एक्सपर्ट फ्रेंड हो सकता है, माई एक्सपर्ट टेक्नीशियन हो सकता है, माई एक्सपर्ट स्टूडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे माई एक्सपर्ट लगाने के पास मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सपर्ट नाउन नहीं है। ऑनेस्टी, माई ऑनेस्टी बन सकता है सेंटेंस, माई ऑनेस्टी इज एट रिस्क टुडे हो सकता है। तो माई ऑनेस्टी अगर आप लगाते हैं और सेंटेंस बन जाता है, तो इसका मतलब है कि ऑनेस्टी आपका नाउन है। इसी तरह से माई सॉफ्टनेस बनेगा, माय सॉफ्टनेस इज नॉट माय वीकनेस। तो माय सॉफ्टनेस लगाने के बाद सेंटेंस आपका मीनिंगफुल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये नाउन है। इसी तरह से माय एडवाइस, दिस इज माय एडवाइस फॉर यू, तो यहाँ एडवाइस भी नाउन है। माय नेचर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ नेचर में भी अगर आप माय लगा करके सेंटेंस बनाते हैं, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस मिल जाता है, तो इसका मतलब बन जाता है। इसी तरह से माई एडुकेशन, तो एडुकेशन में भी माई लगाते हैं तो हो जाता है माई लव। माई लव तो चलता ही है, माई लव तो बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे, तो इसमें परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि कहीं पे आप फंस जाए, आपको समझ में नहीं आए कि नाउन कौन है, तो माई लगा करके चेक करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि नाउन को चेक करने के लिए, समझने के लिए जो मैंने एग्जांपल दिया है, जो समझाया है, वो बहुत काफ़ी है। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप डालिएगा, फिर दूसरा कोई तरीका होगा ढूंढ करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे नाउन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिर एक बार ब्रीफ करते हैं नाउन को। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है, और जो नाम उसका है इंग्लिश में वही नाउन है। वो काउंटेबल हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है, कॉमन हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। चलिए, नाउन समझ में आ गया। अब नाउन के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन बचा है, बना है प्रो प्लस नाउन से। तो प्रो का मतलब होता है फॉर, और नाउन का मतलब नाउन, यानी जो नाउन के लिए, जो नाउन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। और डेफिनेशन भी है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन के बदले में जो आता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के बदले में कैसे आता है वो हम यहाँ सेंटेंस में देखेंगे। जैसे राम इज अ टीचर, ठीक है, यहाँ आप समझ गए होंगे, मैंने नाउन इतनी मेहनत से पढ़ाया आपको कि राम एक लड़के का नाम है और जो नाम होता है वही नाउन है, तो ये तो नाउन है। बट दूसरे सेंटेंस में हम इसके बदले में क्या लिखेंगे? अगर हम लिखेंगे राम इज़ अ टीचर, राम लिव्स इन मुंबई, फिर राम्स पेरेंट्स आर इन दिल्ली,
तो बार बार हम राम 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 अगर कहें तो सेंटेंस की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो हम बार बार राम का यूज़ नहीं करेंगे, राम एक नाउन है और दूसरे सेंटेंस में इसके बदले हम कुछ लिखेंगे। अब ये कुछ क्या हो सकता है? तो राम इज़ अ टीचर, यहाँ हम लिख सकते हैं ही लिव्स इन मुंबई, और यहाँ लिख सकते हैं हिज पेरेंट्स आर इन दिल्ली। तो यहाँ राम क्या है? नाउन है, और इस नाउन के बदले में, इस नाउन के लिए हमने क्या यूज़ किया? हमने यूज़ किया ही। इस नाउन के लिए फिर हमने क्या यूज़ किया? ये हमने यूज़ किया हिज। तो इसका मतलब है कि यहाँ राम नाउन है, और यही जो वर्ड यहाँ यूज़ किया गया इस नाउन के लिए, ये प्रोनाउन हो गया और ये प्रोनाउन हो गया। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि ही प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन। क्यों ही और हिज प्रोनाउन है? क्योंकि ये नाउन के लिए आता है। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, अगर हम राम की जगह यहाँ लिखें रमा, तब भी क्या हम ही यूज़ करेंगे? नहीं, अब रमा लड़की है और लड़की के लिए ही नहीं बल्कि शी यूज़ किया जाता है, तो हम यहाँ शी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हिज की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे हर। तो अब देखिए, ही और हिज तो प्रोनाउन हो गया, तो रमा लड़की है और लड़की के लिए हम शी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा शी भी प्रोनाउन हो गया, और हर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा हर भी प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो हमें ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि ही प्रोनाउन है, हिज प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है, हर प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि ये सब नाउन के लिए आ रहा है। कौन नाउन है? ही का नाउन राम है, हिज का नाउन राम है, शी का नाउन रमा है, हर का नाउन रमा है। अब एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम ये कहें कि राम एंड रमा, ठीक है, राम एंड रमा आर टीचर्स, तो अब यहाँ सेंटेंस में राम और रमा आ गया। तो राम और रमा दोनों क्या है? नाउन है। अब इन दोनों नाउन के बदले में हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? राम और रमा के लिए अब ना हम ही यूज़ करेंगे, ना शी यूज़ करेंगे, बल्कि राम और रमा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे दे, हम यूज़ करेंगे देयर। तो ये दे और देयर किसके लिए यूज़ किया गया? नाउन के लिए यूज़ किया, नाउन के बदले में यूज़ किया गया है। तो जो नाउन के बदले में आता है वही तो प्रोनाउन है, तो हमारा दे भी प्रोनाउन हो गया और देयर भी प्रोनाउन हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही कुछ मेन प्रोनाउन है जिनको हम लिख देते हैं बोर्ड पे, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन हो तो एक बार आप चेक कर लें। याद रखिएगा, मेन प्रोनाउन, सारे प्रोनाउन नहीं है, बहुत सारे प्रोनाउन्स होते हैं, इसमें मेन प्रोनाउन्स। इंग्लिश में जो ज़्यादातर यूज होते हैं, इसमें आई हो सकता है, जैसे माई सेल्फ महमूद हसन, आई एम अ टीचर। तो यहाँ आई किसके लिए आया? महमूद हसन के लिए। महमूद हसन क्या है? नाउन है, तो नाउन के बदले में क्या आया? आई, तो आई प्रोनाउन हो गया। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट भी प्रोनाउन है। फिर दिस, दैट, दीज, दोस, सम, ऑल, इट इज, ये भी प्रोनाउन है। अच्छा, ये सम कैसे प्रोनाउन हो गया? जैसे यहां देखिए, आई हैव 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, सम आर एब्सेंट टुडे। I have 20 students, ये सम किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है, 20 स्टूडेंट्स हैं, उसमें कुछ एबसेंट है, तो सम मतलब कुछ, कौन से, मतलब 20 स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट नहीं आया, तो ये सम किसके लिए आया? स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है, माई स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउन है। नाउन के बदले में यहाँ कौन सा वर्ड आ रहा है? सम आ रहा है।
अगर हमें कहना होगा आई हैव 20 स्टूडेंट्स ऑल आर एबसेंट टूडे, तो ऑल एबसेंट हैं, ऑल कौन है? ऑल कौन है? स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में अगर हम ऑल का यूज़ करते हैं तो ये ऑल किसके लिए आया? नाउन के लिए आया। तो जो नाउन के लिए आएगा वही तो प्रोनाउन है। यहाँ सम आ गया नाउन के लिए तो सम प्रोनाउन, ऑल आया तो ऑल प्रोनाउन। कुछ भी आता नाउन के बदले में, जो नाउन का काम कर देता नाउन के बदले में आ जाता, तो हम उसको प्रोनाउन कहते। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए, आई, आई क्या है? प्रोनाउन। अब आई प्रोनाउन है, आई से बनता है माई, आई से बनता है मी, आई से बनता है माई सेल्फ, आई से बनता है माई। तो ये सब आई से बना है, तो आई प्रोनाउन है, तो बाकी आई से जो भी बने हैं सब प्रोनाउन। जैसे बाप अगर पटेल है तो बच्चे पाटिल तो नहीं हो जाएंगे, वो भी पटेल ही होंगे। तो आई प्रोनाउन है और आई से इतने सारे वर्ड्स बने हैं, तो ये सब प्रोनाउन। इसी तरह से यू है, यू से आपका योर भी बन जाएगा, योर सेल्फ भी बन जाएगा। योर सेल्फ भी हो जाएगा, तो यू भी प्रोनाउन, योर भी प्रोनाउन, योर सेल्फ भी प्रोनाउन, और योर सेल्फ भी प्रोनाउन। अच्छा, योर सेल्फ और योर सेल्फ का मतलब में क्या फ़र्क है? इसको जानने के लिए याद रखिएगा कि नाउन सिंगुलर भी होता है और नाउन प्लूरल भी होता है। जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे यू किसके लिए, यू किसके लिए आया? सिंगुलर के लिए आया। यू आर माई स्टूडेंट्स, यू आर माई स्टूडेंट्स, यानी आप लोग सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ यू किसके लिए आया? प्लूरल के लिए आया। तो डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जब यू यूज़ करेंगे सिंगुलर के लिए तो कहेंगे योर सेल्फ, यू डू, यू डू, यू हैव डन दिस वर्क योर सेल्फ, यू हैव डन दिस वर्क योर सेल्फ, तुमने यह काम खुद से किया है, तुम लोगों ने यह काम खुद से किया है। तो जैसे आई डू माई दिस, आई आई डू दिस वर्क माई सेल्फ हो सकता है, उसी तरह से यू डू दिस वर्क योर सेल्फ या योर सेल्फ हो सकता है। तो योर सेल्फ भी प्रोनाउन है और योर सेल्फ भी प्रोनाउन। क्लियर? तो ठीक है, इसी तरह से शी से भी हो सकता है, इसी तरह से इट से इट्स भी हो सकता है। तो जनरली मैंने जो ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोनाउन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। अब नाउन और प्रोनाउन में कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा, है ना? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, और प्रोनाउन मैंने आपको लिखा दिया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नाउन और प्रोनाउन को समझने में कोई दिक्कत होगी। चलिए, तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट। आज का लेक्चर जो है सिर्फ इसी चीज़ को समझने के लिए रखा गया। मुझे मालूम है थोड़ा बड़ा हो रहा है लेक्चर, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, बट मैं आपको ये बता करके चौंकाना चाहता हूँ कि अगर आपने वर्ब समझ लिया तो आपने टेंस समझ लिया, और अगर टेंस समझ लिया तो इंग्लिश का ग्रामर समझ लिया। अगर आपने वर्ब नहीं समझा आपको टेंस कभी नहीं समझ में आएगा, और अगर टेंस समझ में नहीं आया तो इंग्लिश ग्रामर ज़िंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप पता भी कर लेंगे, किसी से जान भी लेंगे, कोशिश करके आप देख भी लीजिएगा कि बिना वर्ब को समझे आप टेंस नहीं समझ पाएंगे, और जब टेंस नहीं समझेंगे तो बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है वो नहीं समझ पाएंगे। हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस, आगे पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, आगे पढ़ने वाले हैं नरेशन, आगे पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आगे पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। ये सब इतने इम्पोर्टेंट हैं टॉपिक्स हैं कि अगर इनको आपने स्किप किया तो इंग्लिश ग्रामर आपको नहीं आएगा। तो इंग्लिश ग्रामर समझना है तो ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए आज जो मैंने आपको फाउंडेशन में ये सब चीज़ें बताई हैं इसको आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि
100 में से 90 बच्चे इन चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन जो 10 बच्चे नहीं जानते हैं तो वो जान लें, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो आगे का कोई भी लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। और चूंकि मैं चाहता हूं कि बिल्कुल स्टार्ट से हम लोग सारी चीज़ें बारी बारी करके आराम से सब समझते चले, तो इसके लिए मैं जैसे आपको ले कर चल रहा हूँ वैसे आप चलिए। जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ आपके समझ में आ जा रहा है, तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है, उसको मेमोराइज़ करिए, उसको दिमाग में रखिए, तभी आप आगे की चीज़ों को कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आज जो है, आज के लेक्चर में जो चीज़ है वो है हमारा वर्ब। वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड, अक्सर लोग कहते हैं, बट हम ये डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, डेफिनेशन के लिए हम आपको PDF दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में से आपको उसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वर्ब को आप समझिए कि वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं, इसको सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, इसको 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहते हैं। ठीक है, और ये हैं कौन? ये हैं इज, एम, आर, वाज, वर। हैव, हैव, हैड, डू, डस, डिड, कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, ought to, used to, ये 24 होने चाहिए, काउंट करके देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हैं 24। अच्छा, इसमें इज, एम, आर, वाज वर्ब को हम टू बी वर्ब भी बोलते हैं या बी से भी डिनोट करते हैं। बी का मतलब इज, एम, आर या वाज वर्ब। ठीक है, हैव, हैज, हैड को हम पोजेसिव वर्ब भी कहते हैं, डू, डज, डिड को इम्फेटिक भी कहते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि टू बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब, ये याद रखें, और यहाँ कैन से लेकर के यूज टू तक ये 13 हैं, इनको हम मॉडल्स कहते हैं या मॉडल वर्ब। ये जो 13 मॉडल्स हैं इसको आप याद रखिएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 24। आप समझिए 24 हेल्पिंग वर्ब हैं जिसमें से 13 मॉडल्स हैं। जैसे पूरा एरिया महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में मुंबई अलग है, पुणे अलग है, नागपुर अलग है, वैसे ही। या इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, 24 वर्ड्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब हैं जिसमें टू बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब है, और इन्हीं में से 13 मॉडल्स हैं कैन से लेकर के यूज टू। ये लर्न कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ों में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। आगे मैं अपने लेक्चर में बोलूँगा हेल्पिंग वर्ब, तो आप समझ जाइए कि इसी में से कोई एक होगा। क्लियर है? इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है समझने के लिए, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो पहला पार्ट तो हेल्पिंग वर्ब होता है, और दूसरा वर्ब का पार्ट है वो है आपका मेन वर्ब, वही वर्ब जिसके लिए ये लेक्चर है। उसको आपने समझ लिया तो आपने अंग्रेज़ी समझ लिया, अगर इसको नहीं समझे तो कम से कम मैं तो नहीं समझा पाऊँगा फिर आपको शायद। तो इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। मेन वर्ब, इसको फुल वर्ब भी कहते हैं, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं,
और इसको हम एक्शन वर्ड समझते हैं। एक्शन वर्ड मतलब जिस वर्ड से कोई एक्शन का पता चलता है उसको हम कहते हैं मेन वर्ड, ठीक है। जैसे ईट, गो, कम, प्ले, रन और क्या है और बताइए आप लोग। ईट, गो, कम, प्ले, रन और विन, टेक, गिव, फिर पेन, कॉपी, बुक, चेयर, ये है मेन वर्ड, ये है एक्शन वर्ड, इनसे एक्शन का पता चलता है। जैसे ईट, कोई काम कर रहा बंदा, ज़रूरी काम कर रहा है, ये नहीं करेगा तो मर जाएगा। गो, एक दिन जाना ही है सबको, तो गो का मतलब जाना, ये जाना वो जाना नहीं है, बल्कि ये जाने का मतलब कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई घर जा रहा है, आना। अच्छा, मेन वर्ब से एक्शन का पता चलता है। कुछ ऐसे भी एक्शन है, कुछ ऐसे भी वर्ब है जिसमें एक्शन का पता ही नहीं चलता है, जैसे थिंक, जैसे फील। तो फिर वर्ब कैसे पहचानेंगे? और वर्ब नहीं पहचानेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है। वर्ब आपको पहचानना ही पड़ेगा। अगर वर्ब को नहीं पहचानेंगे तो आप सेंटेंस में एरर नहीं पहचानेंगे, और अगर एरर नहीं पहचानेंगे तो करेक्ट करके नहीं आएंगे, और करेक्ट करके नहीं आएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्ब को पहचानना। तो वर्ब को पहचानने का मैं आपको बताता हूँ तरीका, बहुत आसान तरीका है। अगर इसको आपने सीख लिया समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो बताऊं? चलिए बताता हूं। कोई भी वर्ब होगा तो जब हम उसकी हिंदी करेंगे ना, आप कहेंगे बार बार हिंदी पे आ जाते हैं आप, अरे हिंदी राष्ट्रभाषा है तो आना ही पड़ेगा ना भाई, राष्ट्र से प्रेम करना है तो राष्ट्रभाषा तो जानना ही पड़ेगा। तो ईट का मतलब होता है खाना, लास्ट में आ रहा है ना। गो का मतलब होता है, सॉरी, गो का मतलब होता है जाना, इसके लास्ट में भी आ रहा है ना। कम का मतलब होता है आना, इसके लास्ट में भी आ रहा है ना। प्ले का मतलब होता है खेलना, इसके लास्ट में भी आता है ना। रन का मतलब होता है दौड़ना, और इसके लास्ट में भी आ रहा है ना। तो एक बात क्लियर है कि कोई भी वर्ब होगा जब उसकी हिंदी करेंगे तो लास्ट में आएगा ना। क्लियर, समझ आ गया? जैसे विन का मतलब जीतना, टेक का मतलब लेना, गिव का मतलब देना। समझ में आ गई कि जो वर्ब होगा उसके लास्ट में ना आएगा। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ, मुझे मालूम है आपकी बेचैनी, आपने देख लिया है कॉपी, पेन और बुक, चेयर, तो आप कहेंगे ये तो नाउन है, हम लोगों ने नाउन पढ़ा है, सर आज वर्ब पढ़ा रहे हैं। तो जो आप एक बात बताइए, जो आप जानते हैं वही चीज़ मैं आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊँ तो फिर फ़ायदा क्या मेरे लेक्चर का? आज आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखेंगे वीडियो या कहीं और देखेंगे, और आपको कुछ नई चीज़ नहीं मिले तो बेकार हो जाएगा ना। तो जो आप पहले से जानते हैं वही चीज़ मैं पढ़ाऊँ तो फिर आज के लेक्चर का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी 15 सालों या 20 सालों में इंग्लिश पढ़ा नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे। टेक, गिव, टेक का मतलब लेना, गिव का मतलब देना। अब ये पेन कैसे नाउन होगा, कॉपी कैसे नाउन होगा? तो देखिए, वर्ब जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर भी है और कोई सिंगर भी है, हो सकता है बहुत सारे आपके टीचर ऐसे भी होंगे जो सिंगर भी होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी टीचर है, जो भी प्रोफेसर हैं, जो भी फैकल्टी हैं, क्या उनको सिंगर होना ज़रूरी है? ऐसा तो नहीं है। तो जैसे कोई एक आदमी एक ही टाइम में टीचर भी हो सकता है और सिंगर भी हो सकता है, वैसे ही बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड हैं जो नाउन भी हो सकते हैं और वर्ब भी हो सकते हैं। अब ये आप कभी मत कहिएगा कि जितने भी नाउन हैं सभी वर्ब ही हो जाएंगे, और या फिर ये मत कहिएगा जितने भी वर्ब हैं सभी नाउन ही हो जाएंगे। जैसे सारे टीचर
सिंगर नहीं हो सकते और सारे सिंगर टीचर्स नहीं हो सकते, वैसे ही कुछ वर्ड ही ऐसे हैं इंग्लिश में, कुछ ही ऐसे वर्ब हैं जो नाउन भी हैं और वर्ब भी हैं। तो उसमें एक वर्ड है आपका बुक। अब देखिए माय बुक आप कहते हैं तो यहाँ पे आपका बुक क्या हो गया, नाउन हो गया। और अगर आप आई बुक कहते हैं तो यहाँ पे बुक क्या हो गया, वर्ब। वर्ब को पहचानने का एक तरीका तो मैंने बताया कि जब हिंदी करेंगे लास्ट में ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती, वो क्या करेंगे, तो उनके लिए एक और तरीका है। जैसे नाउन को पहचानने का तरीका क्या है, उसके पहले माई लगाइए, पता चल जाएगा वो नाउन है। इसी तरह से कोई भी वर्ड है आपको चेक करना है ये वर्ब है या नहीं, उसके पहले आई लगाइए। अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, उससे आपकी मीनिंग क्लियर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो वर्ड वर्ब है। तो यहाँ बुक, माई बुक का मतलब हो गया ये नाउन हो गया, और आई बुक का मतलब हो गया यहाँ बुक वर्ब हो गया। जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, इस सेंटेंस में बुक नाउन है, और आई बुक द टिकट एवरी संडे। तो अब यहाँ पे आई बुक द टिकट आप बुक कर रहे हैं यानी परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ बुक आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर। इसी तरह से कॉपी, जैसे दिस इज माई कॉपी। अब ये चूंकि माई के साथ कॉपी आया है तो यहाँ पे आपका कॉपी क्या है, नाउन हो गया। बट अगर आप कहते हैं आई कॉपी इन द एग्जाम, हालांकि ये बुरी बात है बट सेंटेंस यहाँ करेक्ट है। आई कॉपी में कॉपी क्या है, ये कॉपी आपका नाउन है और ये कॉपी आपका वर्ब। ठीक है, अब समझ में आया कि मैंने कॉपी क्यों लिखा, बुक क्यों लिखा, अच्छा पेन क्यों लिखा, ये बताऊं, ये भी बता देता हूँ। पहले हम लोग कभी किसी को कोई संदेश भेजते थे, मैसेज भेजते थे, तो पेन से भेजते थे। अब ज़माना चेंज हो गया है, अब मेल कर देते हैं, अब टेक्स्ट कर देते हैं। तो अब जो है ये बताना पड़ता है हमें कि हमने किसी को कोई मैसेज भेजा, वो मेल से भेजा, टेक्स्ट से भेजा या लिख के भेजा, तो हम कैसे लिख बताएंगे, तो हम कहेंगे आई पेंड हर। जैसे आप कहते हैं आई मेल्ड हर, यानी आपने उसको मेल करके भेजा। इसी तरह से अगर पेंड अगर आप कहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसको पेन से लिख करके भेजा, या फिर अगर कहते हैं पेन डाउन व्हाट आई से, तो यहां पेन डाउन में आपने जो पेन यूज किया है ये क्या है, आपका वर्ब। क्लियर। इसी तरह से और क्या है, चेयर। जैसे दिस इज माई चेयर, तो यहां पे चेयर क्या है, नाउन है। बट अगर आप कहते हैं वी चेयर्ड हर एज द सेक्रेटरी ऑफ द, या सेक्रेटरी रखने दीजिए, वी चेयर्ड हर, यानी कि आपने उसको चेयर्ड किया, यानी कि उसको आपने चेयर पे बिठाया, यानी कि आपने एक्शन किया। तो इस हिसाब से यहाँ पे चेयर आपका वर्ब हो गया। इसी तरह से ऑर्डर कहते हैं, दिस इज माई ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ माई ऑर्डर कह रहे हैं तो ऑर्डर नाउन हो गया। बट अगर आप कहते हैं आई ऑर्डर यू टू किल हिम, तो यहाँ आई ऑर्डर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या हो गया, सेंटेंस में वर्ब हो गया। इसी तरह से एक बहुत प्यारा वर्ड है लव। अगर कहते हैं माई लव फॉर नेशन, तो यहाँ पे माई लव कह रहे हैं तो लव में माई का यूज़ किया है तो ये नाउन हो गया। बट अगर आप कहते हैं आई लव माई कंट्री, तो अगर आई लव कहते हैं तो लव यहाँ पे वर्ब हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बस ख़त्म कर रहा हूँ, दो मिनट और दे दीजिए, दो से पाँच मिनट दे दीजिए, इसमें लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आपकी ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है इसको समझ लीजिए, जीवन भर आप खुश रहेंगे इस बात से कि आपने कुछ आज अच्छा सीखा। वो अच्छा क्या है कि दुनिया में जो भी वर्ब हैं उनके फिर फॉर्म चलते हैं, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव।
तो दुनिया में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितने भी धातु होते हैं, सबका रूप चलता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वर्ब पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे तो क्रिया पढ़ेंगे, अगर संस्कृत में पढ़ेंगे तो धातु पढ़ेंगे, अगर फारसी में पढ़ेंगे तो मजदर पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में धातु बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पट, पट पटती पंट, पट पटती पटता पठंती, ठीक है, और गचती गचता गछंती। तो गच क्या, एक धातु है, धातु का रूप चल रहा है। हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में अगर आप कहते हैं क्रिया, तो क्रिया का भी रूप चलता है, जाता है, जाता था, जाएगा। अगर आप फारसी पढ़ते हैं तो उसमें भी रूप चलता है, उसमें भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे एक वर्ड है, एक मजदर है जिसको हम कहते हैं आमद, उसका भी रूप चलता है आमद, आमदी, आमदेद, आमदम, आमदेम, सुना ही होगा खुश आमदीद, तो वो आमद से ही बना है। तो वैसे ही आपका इंग्लिश में भी वर्ब है और इसका भी फिर रूप चलता है, इसके भी फॉर्म चलते हैं। जैसे अगर आप गो लिखते हैं तो ये वर्ब वन हो गया, गो का मतलब जाना, ये वर्ब है। तो जो भी वर्ब है, जो भी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मेन वर्ब की बात हो रही है, तो जो भी मेन वर्ब होगा फिर उसका रूप चलेगा। यहाँ गो हो गया, यहाँ फिर वेंट हो जाएगा, यहाँ फिर गोन हो जाएगा, यहाँ फिर गोइंग हो जाएगा, यहाँ फिर गोज हो जाएगा। अब इसी तरह से ईट, यहाँ एट, यहाँ ईटन, यहाँ ईटिंग, यहाँ ईट्स। अब आप कहेंगे कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई इंग्लिश का ईमान धर्म ही नहीं है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत कम ऐसे वर्ब्स हैं जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर, मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो हैं, उसमें सिर्फ सेकेंड और थर्ड में आपको ईडी लगाना होता है, फोर्थ में आई एन जी लगाना होता है, और फिफ्थ में एस या ई एस लगाना होता है, ठीक है। जैसे प्ले, अब इसमें सेकेंड बनाने के लिए क्या करना, सिर्फ ईडी लगा देना है। थर्ड में भी क्या करना है, सिर्फ ईडी लगा देना है, और फोर्थ में क्या करना है, आई एन जी लगा देना है, और इसमें एस लगा देना, ठीक है। तो अब एक चीज़ और आप समझ लें, अच्छा चलिए कुछ और भी बता देता हूँ। जैसे अब प्ले लिख दिया आपने, उसके बाद कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम हुई होते हैं, जैसे कट, 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 फिर यहाँ हो जाएगा कटिंग, और यहाँ हो जाएगा कट। पुट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, पुट 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 ही हो जाएगा। फिर शट, 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 और यहाँ पुटिंग, और यहाँ पुट्स, और यहाँ शटिंग, शट्स। देखिए आप, अब ये हम आज लेक्चर आज यहीं ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन लेक्चर ख़त्म करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ सवाल, जिसका जवाब हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। सवाल ये है कि यहाँ गोज बनाया वर्ब फाइव में तो यहाँ ई एस लगाया, और यहाँ प्ले का प्लेस बनाया तो सिर्फ एस लगाया, तो यहाँ ई एस क्यों लगाया, यहाँ एस क्यों लगाया। दूसरा सवाल कि गोइंग में हमने सिर्फ गो में आई एन जी लगा दिया, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बट कटिंग में टी को डबल क्यों कर दिया, पुटिंग में डबल क्यों कर दिया, शटिंग में डबल क्यों कर दिया। तो ये चीज़ें हम, इसका जवाब जो है आप खुद ढूंढिए, अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे। बट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी मेन वर्ब होंगे उनका फिर फॉर्म चलता है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर। उसमें कुछ में तो क्या होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डिफरेंट होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होते हैं, बट कुछ में सिर्फ ई डी लगाया जाता है। तो मतलब ज़्यादातर 96-98% जो है वर्ब हैं जिसमें सिर्फ ई डी लगाया जाता है, उनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब, क्योंकि ये रेगुलर तरह से काम करते हैं। और कुछ बदमाश हैं जो मानते ही नहीं रूल को, कहीं कुछ लग जाता है, कहीं कुछ लग जाता है, जहाँ यहाँ देखिए गो का वेंट हो गया, यहाँ ईट का एट हो गया। तो ऐसे में जो फॉलो नहीं करते हैं रूल को, जो रेगुलर नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं इररेगुलर वर्ब।
ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो हम आपको एक होमवर्क भी देते हैं कि नेक्स्ट क्लास से पहले आपका होमवर्क क्या रहेगा। आपको इरेगुलर वर्ब जो है थोड़ा सा डेटा खर्च करके नेट से निकालना है, इरेगुलर वर्ब की लिस्ट और उसके तीनों वर्ब फॉर्म, वर्ब वन, वर्ब टू और वर्ब थ्री, तीनों फॉर्म्स आपको ढूंढना है, लिखना है और लर्न भी करना है। जैसे एक आपको मिल जाएगा टीच, ये भी क्या है, इरेगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसका वर्ब वन तो टीच होता है, वर्ब टू टॉट हो जाता है और वर्ब थ्री भी टॉट हो जाता है। तो ऐसे ही इरेगुलर वर्ब अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा और आप प्रिपेयर करके आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपसे सुनेंगे। नेक्स्ट क्लास पे कैसे सुनेंगे, नेक्स्ट क्लास पे लाइव क्लास होगी और जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनसे ये पूछा जाएगा कि आप बताइए, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम वहीं रुक जाएँ। तो ये बेसिक इसलिए आप लोगों को ये लेक्चर दिया जा रहा है ताकि आप अपने बेसिक लेवल की चीज़ें जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है उसको फिर से ताज़ा कर लें, जो चीज़ें नहीं जानते हैं उसको ऑर्डर में कर लें और आगे की क्लासेस जो हैं आपकी लाइव क्लासेस होंगी। जैसे लाइव क्लासेस और भी आपके सब्जेक्ट्स की हो रही हैं वैसे इंग्लिश की भी लाइव क्लासेस होंगी और कुछ क्लासेस उसमें मैं लूँगा। चलिए इसी के साथ हम आज यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, उस लेक्चर में हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।